तो जी फिर आ गए हम मैकेनिक के पास। इसका जो शाफ्ट की आवाज़ आ रही है, गर 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 कर रहे हैं। देखे हैं अभी वो चेक कर रहे हैं। ये जी कह रहे हैं इसका बैरिंग भी टूटा है, ये इसमें प्ले है और शाफ्ट की रबड़ भी टूटी हुई है। ये अभी ये चेंज करेंगे, देखते हैं कि कितने का टीका लगता है ये वाला। आखिरकार हमारा नंबर आ गया जी, खुल गई है। और ये जहांगीर उस्ताद ने खोल ली है गाड़ी, अभी शाफ्ट खुल गई है। जी तो खुल गई है जी गाड़ी, और इसका बैरिंग टूटा हुआ है हिस्से का, शाफ्ट का, और रबड़ भी टूटी हुई है इसकी। ये बैरिंग है, करवा लिया जी खैरातिए से। नई जो है ना वो कहते हैं महंगी है, तो इसी को आप रिपेयर करवा दें, और खैरात वाले से हमने रिपेयर करवा लिया है कि इसके दंदरे ख़त्म हो गए। तो ये रिपेयर हो गई है जी, ले आए हम खैरातिए से, अभी ये फिट करेंगे। ये जी फूल रबड़ आ गई, काबला लेके आओ। और क्या? एक काबला लेके आओ। काबला कौन सा? एक शाफ्ट का काबला लेके आओ, एक नट लेके आओ, एक वॉशर लेके आओ। असल में आज इनके पास रश है जी बहुत ज़्यादा, और इसकी वजह से जो है ना काम लेट हो रहा है।
यहाँ से करेंगे सेटिंग अगले हिस्से की, क्योंकि इसका तल्लक सारा गियर बक्से से होता है। अभी ये क्लच की सेटिंग कर रहे हैं जी। जी तो अभी गाड़ी की ट्राई ली है जी, गाड़ी उसी तरह आवाज़ कर रही है और आगे से ज़्यादा आवाज़ कर रही है। अभी ये क्लच बक्सा खोल रहे हैं और कहते हैं इसको चेक करते हैं क्लच बक्से को। अभी ये खोलेंगे और देखेंगे कि क्लच बक्से का कोई मसला तो नहीं है। चलें जी अल्लाह रहम करे। जी तो अभी खोल रहे हैं जी बक्सा, जी तो खुल गया जी क्लच बक्सा। ये बक्सा तीसरी दफा खुल रहा है जी, तीसरी दफा। दुआ करें कि अल्लाह पाक मुझ पर रहम करे, क्योंकि लगातार ये तकरीबन 4-5 दिनों में ना मैं मसलसल इनके पास आ रहा हूँ, मसलसल गाड़ी सेटिंग बैठ नहीं रही गाड़ी। जी तो शाफड़ का भी काम हो गया जी, रबड़ भी डल गई, गरारी का भी काम हो गया, लेकिन आवाज़ नहीं गई। अभी ये क्लच बक्सा खोल रहे हैं और देखते हैं कि वो आवाज़ अब जाती है या नहीं। इंशाल्लाह उम्मीद है जी चली जाएगी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। खुल गया जी क्लच बक्सा भी, अभी उस्ताद मोहतरम चेक करेंगे तो वही बताएंगे कि क्या है। खुला है जी क्लच बक्सा और खराबिये के पास लेके गए थे। क्या मसला था जंगीर भाई इसको? है टैट है, बस टैट है, अभी लूज हो जाएगा। कह रहे हैं जी क्लच बक्सा जो है ना वो टाइट है, लूज नहीं हो रहा था। अभी देखें क्या होता है, इंशाल्लाह उम्मीद है अभी ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। अभी ये दोबारा फिट होगा जी। जी तो दोबारा फिट हो गया है जी, फिटिंग हो रही है, डाफा वगैरह लगाना है इसको, चेक करेंगे, ट्राई करेंगे। जी तो हो गया जी फिटिंग, फिटिंग हो गया, अभी ट्राई करिए गए साथ, चेक कर रहे हैं, देखें अल्लाह करे इंशाल्लाह आपको आवाज़ें बेहतर हो जाए, हम अपनी मजदूरी पे निकलें और मजदूरी करें। आज दूसरा दिन है मजदूरी नहीं, नहीं जी बक्सा काम नहीं कर रहा और बक्सा नया डालना पड़ेगा, क्लच बक्सा भी नया डालना पड़ेगा। तो कोशिश की है उन्होंने कि यही बक्सा चल जाए लेकिन नहीं चल रहा। अभी दोबारा खोल रहे हैं और एंजॉय करेंगे, नया क्लच बक्सा डालेंगे।
चले अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। ये जी दोबारा खुल गया जी, अभी नया डाल। ये जी पुराना और ये आ गया नया। नया है जी और ये पुराना है, अभी नया फिट करेंगे। नहीं कार जी तो हो गया जी फिट और अभी इंशाल्लाह उम्मीद है कि कोई मसला नहीं होगा क्योंकि नया डाल गया है जी स्लज बक्सा। अभी इंजन खुल रहा है जी, इंजन के अंदर जो है ना बैरिंग होता है वो बैरिंग टूटा हुआ है और आवाज़ ख़त्म नहीं हुई। अभी वो बैरिंग डालेंगे जी, इंजन खुल रहा है, हर चीज़ उन्होंने खोल ली है। काबले वगैरह सारे खुल गए हैं तकरीबन, सब को मेरा ख्याल है इंजन उठाना है। हाँ खुल गए, खुल गए। खुल गया जी इंजन। ये जी इंजन खुला हुआ है, सफाई हो रही है इसकी, अब चैन वगैरह उतार रहे हैं इसके सारे। आधा हिस्सा ये पड़ा है, ये पड़ा है, ये पड़ा है, वो पड़ा है, सारा खुला है। जो जो चीज़ डलेगी वो इसमें डालेंगे, फिर इसको दोबारा फिटिंग करेंगे। लो जी जुड़ना शुरू हो गया है। वाह जी वाह, ये हमारे उस्ताद मोहतरम हैं जी, जहाँजेब उस्ताद, पिंडी के मशहूर उस्ताद हैं।
वाल ला सुना तू, ये ओरे वाल लगे नी आ जी। ये फिट हो गया है जी, आप रिक्शे में फिट करना है इसको। बच्चे ये जो ये थोड़ा बहुत गंद रह गया इसको साफ कर देना। अच्छा इमरान, अच्छा बेटा, ये ले जी आ गया जी अपनी जगह पे। जा इंजन आ गया रक्षे में अपनी जगह पे और लग गया है। इंजन फिट हो गया है, अभी इसको मजीद करनी है इन्होंने। ये तारे वगैरह जोड़नी है, जी गाड़ी स्टार्ट, इंजन स्टार्ट हो गया जी। अभी ये रन पे इंजन बना है, इंजन का जी स्टार्ट ही रखनी है, बांधने का।